तो फाइनली दोस्त हम आ चुके हैं ढाई दिन के झोंपड़े में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये ढाई दिन का झोंपड़ा है। यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। आप लोग जो मेरे पीछे ये ढाई दिन का झोंपड़ा देख रहे हैं, ये ढाई दिन में धन करके तैयार हुआ था और ये अजमेर में स्थित है। तो यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है और इसको ढाई दिन में बनाया गया था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है और मैंने कई जगह सुना भी है। तो सबसे पहले यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। सामने मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये सारी की सारी जो बिल्डिंग है, जो भी सारी की सारी इमारत है, ये बहुत ही पुरानी इमारत है। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं जो पहाड़ है, ये जो आप पहाड़ पर टावर देख रहे हैं यहाँ पर मेरे फिंगर की साइड में, यहाँ पर ये तारागढ़ है। यहाँ पर भी हम जाएंगे, यहाँ पर एक पत्थर है जो कि हवा में रुका हुआ है। और इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का व्यू चारों तरफ का। तो यहाँ पर सामने से आप लोगों को कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसको अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या फिर ढाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं। ये ढाई दिन में बनकर के तैयार हुआ था और इसकी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है, बहुत पुराना है ये। और बेसिकली ये एक मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और पत्थरों से ही इस्तेमाल की गई मस्जिद है, ये पत्थरों के द्वारा बनाई गई मस्जिद है और इतिहास इसका बहुत पुराना है। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये दो मीनार हैं, इसमें एक मीनार या तो टूट चुकी है या फिर उसी समय पूरी तरीके से बनी नहीं है। यहाँ पर हम आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर मस्जिद के गेट पर आप लोगों को ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। कुरान की कौन सी आयत लिखी हुई है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, जो लोग अरबी जानते होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ से आप लोगों को व्यू इस तरीके का नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल साफ नज़र आ रही होंगी ये सारी की सारी आयतें। और यहाँ पर जो आयतों के साथ साथ जो ये बारीक बारीक नक्काशी की गई है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। और जो ये नक्काशी की गई है, इसमें भी आयतें ही लिखी गई हैं। साथ में आप लोग अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर सामने नमाज अदा की जाती है। इसके अलावा इस मस्जिद यानी कि इस ढाई दिन के झोंपड़े के लिंटर को रोकने के लिए ये पिल्लर इस्तेमाल किए गए हैं जो कि पत्थर से बने हुए हैं। सामने इमाम साहब का मेंबर है और यहाँ पर ये मस्जिद का ऊपर के ये गुंबद टाइप का डिज़ाइन है, गुंबद ही है यहाँ पर, मतलब जहाँ पर ये दूसरी सब लगती है वहाँ पर ये इस तरीके का गुंबद है। यहाँ पर ये पिलर इस तरीके का है डिज़ाइन किया गया, जो कि काफ़ी अलग नक्काशी की गई है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिछले वाले गुंबदों में, मतलब पिलरों में नक्काशी है, ठीक वैसे ही नक्काशी की गई है, जो कि बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक नक्काशी है। आजकल के दौर में इस तरीके की कोई भी नक्काशी नहीं मिलती है, मतलब अकबर के ज़माने में या फिर जो भी मुग़ल के ज़माने में आप लोगों को कोई भी बिल्डिंग देखने जाते हैं, कोई भी इमारत देखने जाते हैं, तो इस तरीके की कोई भी आप लोगों को इमारत देखने को नहीं मिलती है, इस तरीके की कोई भी नक्काशी आप लोगों को देखने नहीं मिलती है। लेकिन ये जो अकबर के या फिर मतलब जो भी मुग़ल आए थे उनके पहले से ही यानी कि स्टार्टिंग में ही ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसका बिल्कुल अलग ही तरह का डिज़ाइन है। यहाँ का आप लोग इस तरीके का डिज़ाइन देख सकते हैं। तो ये था, तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से इस ढाई दिन के झोंपड़े यानी कि अजमेर में स्थित इस मस्जिद को दिखा दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसे कि आप लोगों ने हमारे इस ब्लॉग में देखा ही है। अब चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और नए ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अजमेर में स्थित अनासागर, जो कि बेसिकली एक झील है और बहुत ही खूबसूरत झील है, जो कि एक ऐतिहासिक झील है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।